हेलो एवरीवन माय नेम इज सांजली सिंह एंड माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम सो लेट्स बिगिन विद बफर्स बफर्स क्या होते हैं बफर्स आर कंपाउंड्स और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड चेंजेस इन पी एच एवन आफ्टर द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ एसिड्स और अलकली बफर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं और या फिर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होते हैं जो कि पी एच चेंज को रोकते हैं जबकि उसमें एसिड और अलकली को थोड़े थोड़े अमाउंट में ऐड करने के बाद भी बफर्स दो पार्ट में क्लासिफाइड हैं एसिडिक बफर बेसिक बफर एस्टिक बफर वो होते हैं जिनका पी एच सेवन से कम हो एंड बेसिक बफर्स वो होते हैं जिनका पी एच सेवन से ज़्यादा हो एस्टिक बफर कॉम्बिनेशन होता है वीक एसिड और, और उसके सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया सी एस थ्री सी ओ ओ एस दैट इज एसिटिक एसिड और बेसिक बफर कॉम्बिनेशन होता है वीक बेस और उसके सॉल्ट का फॉर एग्जाम्पल एन एच फोर सी एल इज अमोनियम क्लोराइड वॉट आर द एप्लीकेशनस ऑफ बफर्स एप्लीकेशन और यूज़ क्या होते हैं बफर्स के मेंटेनेंस ऑफ लाइफ बायोकेमिकल केमिकल एसेज ब्रीविंग इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बेबी लोशंस बफर्स का यूज़ होता है हमारे लाइफ की मेंटेनेंस में बायोकेमिकल केमिकल एसेज में सेम्पूज़ में यूज़ होता है ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है और बेबी लोशन को प्रिपेयर करने में यूज़ होता है इन सब में पी एच मैंटेन करके बफर्स एक्ट करते हैं बफर्स नाउ कम टू माय टॉपिक बफरसिन फार्मास्यूटिकल सिस्टम सैलासाइलिक एसिड स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल इफेंड्राइन एंड इफेंड्राइन एच सी एल बफर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बोरिक एसिड सोडियम बोरेट एंड एन एस सी एल सेलिक एसिड जो ग्लास बॉटल में स्टोर होता है एफेंड्राइन और एफेंड्राइन एच सी एल बफर सिस्टम कंसिस्ट करता है बोरिक एसिड सोडियम बोरेट एंड एन एस सी एल को इन सब के मिक्सचर को बफर सिस्टम बोलते हैं बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या यूज़ है बायोलॉजिकल सिस्टम में ब्लड लैक्रिमल फ्लूड एंड यूरिन में इनका रोल प्ले होता है नाउ स्टडी ऑल दीज इन बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम सैलिसाइलिक एसिड स्टोर्ड इन सॉफ्ट ग्लास बॉटल सोडियम आयन लीचेज आउट कंबाइनिंग विद विथ एसिड टू फॉर्म सोडियम सेलेसाइलेट एंड फॉर्मिंग अ बफर सिस्टम दैट इज सोड सैलिसाइलिक एसिड एंड सोडियम सेलिसाइलेट दिस सर्वस एज अ बफ फर द पीएच एंड प्रोडक्ट रिमेन्स स्टेबल सेलेसाइलिक एसिड सॉफ्ट ग्लास बॉटल में होते हैं स्टोर होते हैं उसमें क्या होता है सोडियम तो आयन निकलता है सेलेसाइलिक एसिड जब सोडियम सेलिसाइलेट से कंबाइन होता है और एक बफर सिस्टम का फॉर्मेशन करता है ये मेंटेन करता है पीएच को और प्रोडक्ट स्टेबल रहता है सेकंड इफेंड्राइन एंड इफेंड्राइन एचसीएल व्हेन एचसीएल इज इफेंड्राइन फ्रैक्शन ऑफ इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू एचसीएल एचसीएल को जब इफेंड्राइन फ्रैक्शन में ऐड करते हैं तो वो इफेंडराइन एचसीएल में कन्वर्ट हो जाता है चेंज इन पी एच ऑफ दोल्यूशन मिक्सर एच सी एल का मिक्सर इफेंड्राइन का एच सी एल का मिक्सर ये बफर की तरह एक्ट करता है और ये पीएच चेंज को रोकता है सॉल्यूशन में बफर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बोरिक एसिड सोडियम बोरिक एनसर सफिशेंट सोडियम क्लोराइड टू मेक द मिक्सर आइज अटोनिक एन फॉर ऑफ द हेल्प सोल्यूशन इन पी रेंज ऑफ 7 टू 9 मफर सिस्टम कॉन्जिस्ट करता है बोरिक एसिड सोडियम बोरेट और कुछ अमाउंट एन का जो कि मिक्सचर को आइसोटोनिक बनाता है और ये अफथाल्मिक सोल्यूशन में यूज होता है जिसका पी एच टू नाइन होता है अफथाल्मिक सोल्यूशन वो होते हैं जो कि आई सोल्यूशन प्रिपेयर होते हैं जैसे कि आईड्रॉप्स एट्सेट्रा मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ सोडियम फोस्फेट विथ पी एच टू एट सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू मेक इट आइसोटोनिक विथ बॉडी फ्लूड्स सॉल्ट्स जो सोडियम फोस्फेट के सॉल्ट का मिक्सचर होता है उनका पीएच जनरली सिक्स टू एट होता है सोडियम क्लोराइड को उसमें ऐड किया जाता है उसको बॉडी फ्लूड से आइसोटोनिक बनाने के लिए नाउ सेकंड इज बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन वीवो बायोलॉजिक बफर सिस्टम ब्लड मेंटेन एट पी एच सेवन बाई प्रिपेयरिंग बाई प्राइमरी बफर्स इन प्लाज्मा एंड सेकेंडरी बफर्स इन इराइथ्रोसाइट्स ब्लड मेंटेन करते हैं पी को सेवन और प्राइमरी बफर प्लाज्मा में एक्ट करते हैं और सेकेंडरी बफर इराइथ्रोसाइट्स में एक्ट्स करते हैं प्लाज्मा में कौन कौन से ऐसे ये होते हैं जो काम करते हैं बफर की तरह कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ फोस्फोरिक एसिड ये एक्ट करते हैं बफर्स की तरह कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ फोस्फोरिक एसिड और इराथ्रोसाइट्स में हिमोग्लोबिन ऑक्सीमोग्लोबिन एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फोस्फोरिक एसिड इराइथ्रोसाइट्स में ये एक्ट करते हैं बफर की तरह लैक्रिमल फ्लूड टीयर्स एफ पी एच ऑफ अबाउट सेवन पॉइंट फोर लेक्रिमल फ्लूड और टी टीयर्स का पी एच होता है सेवन पॉइंट फोर के अबाउट यूरिन नॉर्मल एडल्ट यूरिन हैज़ पीएच ऑफ अबाउट सिक्स नॉर्मल एडल्ट यूरिन की पीएच, नॉर्मल एडल्ट यूरिन का पीएच होता है सिक्स इट में भी एज लो एज़ फोर पॉइंट फाइव और एज़ हाई एज सेवन पॉइंट एट ये वैरी भी करता है एज़ लो आ सकता है फोर पॉइंट फाइव तक और हाई जा सकता है सेवन पॉइंट एट तक वेन पी एच ऑफ यूरिन इज़ बिलो नॉर्मल वैल्यूज़ हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीटेड बाई द किडनीज अगर इसका पी एच यूरिन का नॉर्मल वैल्यूज से कम होगा तो हाइड्रोजन आयन किडनी से एक्सक्रीट हो जाएंगे एंड पी एच इज एबव सेवन पॉइंट फोर हाइड्रोजन आयन रिटेनड बाई द किडनीज और अगर पी एच सेवन पॉइंट फोर से ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन किडनी में ही रिटेन कर जाएंगे दैट्स ऑल थैंक यू